आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। किश्तवाड़ क्राउन न्यूज नेटवर्क हमेशा आवाज बुलंद करता है और उन लोगों की आवाज बुलंद करता है जिन लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। किश्तवाड़ से 11 तारीख को हुजाजे किराम जो किश्तवाड़ के जितने भी हुजाज हैं जो हज करने को गए थे 11 तारीख को 11 से वो यहां सिंतन टॉप राबता सड़क से श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर में 3 दिन उन्होंने वहां पर रहे, जहां हज हाउस है वहां पर रहे। उसके बाद आज वो मदीना मनौरा के अंदर है। वीडियो बनाने का और आज की खबर बनाने का मुद्दा और मकसद जो हमारे हुजाज किराम है जो इस वक्त मदीना में, मदीना से एक वीडियो जो उन्हें भेजी है, उन्हें कहा कि जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को अपील की और जो हायर अथॉरिटीज आती हैं जो हज कमेटी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनसे अपील की। क्या कुछ बता रहे हैं आपसे पहले, ये पहले मैं आपको बता देता हूं। हर साल जब यहां से हुजाज किराम मदीना जाते हैं हज करने को जाते हैं तो उन्हें एक बेहतर सहूलियत मैसर करवाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ जो है हर साल उनको बेहतर सहूलियत फराहम करती है, हर चीज उनको मैसर करवाती है, मगर इस बार कुछ अलग और डिफरेंट देखने को मिल रहा है। हुजाज किराम की जो वीडियो हमारे पास पहुंची है उसमें उन लोगों का कहना है कि हुजाज किराम जितने भी किश्तवाड़ से गए उन्हें मदीना में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम कश्मीर में रहे तो किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन या कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बेहतर सहूलियत फराहम की गई, मगर जैसे ही हम मदीना में पहुंचे और हमें वहां कहीं घंटू तक एयरपोर्ट पर रखा गया, हमें कोई वहां से लेने नहीं आया, ना ही हमें कोई पूछने वाला वहां पर। उसके बाद कुछ दाएं बाएं करके उन लोगों ने किसी से टैकअप करके उसके बाद उन्हें होटल में शिफ्ट किया गया, जहां पर वहां की जो होटल की मैनेजमेंट है उन्होंने किश्तवाड़ के हुजाज किराम जितने भी हैं उन लोगों के साथ बदतमीजी की है, यानी बदतमीज कोई रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते वो आज मजबूर हो गया मदीना से उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा है और एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंसर्निंग इनके साथ हज कमेटी के साथ उन लोगों से अपील की है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंसर्निंग इनका जो हुक्म जो इनका डिपार्टमेंट होता है वो इन लोगों को देखे और यहाँ के हुजाज जो इस वक्त जो किश्तवाड़ के हुजाज किराम है जो मदीना में है उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमें कोई पूछताछ नहीं कर रहा है। उन लोगों ने अपील की है कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दीवान यादव से उन्हें अपील की और जो इनके साथ कंसर्निंग जो अथॉरिटीज है उन लोगों के साथ उन्हें अपील की है कि हमारे यहाँ बेहतर सहूलियात फराहम की जाए, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर जो है वहां जब यहाँ से हुजाज किराम हज के लिए जाते हैं तो उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उन लोगों का कहना है कि हुजाज किराम आज 3 दिन मदीना में हो गया है और इन्हें कोई पूछताछ करने के लिए भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि जब हम मदीना में पहुंचे तो हमें पता भी नहीं है मस्जिद कहां पर है, बाकी चीजें कहां पर है, जिसके चलते उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो है रोष जताया है। उन्हें कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंसर्निंग अथॉरिटीज है वो ये मैटर जो है टैकअप करें और खासकर उन्हें डीसी किश्तवाड़ से अपील की है कि इस मैटर को जो है कंसर्निंग अथॉरिटीज के साथ टैकअप किया जाए और हमें जो है यहाँ पर बेहतर सहूलियात दी जाए। क्या कुछ हुजाज किराम मदीना से कह रहे हैं आइए आपको ये वीडियो दिखाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। दूर दराज इलाका किश्तवाड़ के रहने वाले हुजाज किराम जो इस वक्त मदीना में रहाइश पजीर हैं, हमें हज हाउस श्रीनगर में सहूलियात जो दस्तयाब हुई हम उस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मुल्क के उन्होंने हर तरह से हमें ताउन दिया, हमें कोई मुश्किलात वहाँ दरपेश नहीं आई, हमने 3 दिन वहाँ कयाम किया हज हाउस में, लेकिन हमें किसी भी दुश्वारी का हम सामना नहीं करना पड़ा। वहाँ से जिस वक़्त हम जहाज़ में बैठे और मदीना पाक एयरपोर्ट पर उतरे, मुसलसल हमें वहाँ 4 घंटे डिटेन किया गया, 4 घंटे हम एयरपोर्ट मदीना पाक पर भटकते रहे, हमें गाड़ियाँ दस्तियाब नहीं थी, ले दे के वहाँ से हमें यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने 1:30 बजे 2 बजे वहाँ से रवाना किया और मदीना पाक मस्जिद नबी के सामने सब जो होटल है उसमें हमें पनाह उन्होंने हमें रखा, लेकिन यहाँ जो स्टाफ था उन्होंने कुछ कोताहियाँ हैं जो उन्होंने कुछ ज्यादतियाँ की हमारे साथ, तो हमें यहाँ कोई सहूलियत मैसर नहीं हुई मदीना पाक में, लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया खुसूसन हज कमेटी बम्बई से इल्तिजा करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए, इसका जायज़ा लिया जाए, ताकि आगे अभी 4 दिन से हम यहाँ 3 दिन से हम यहाँ मुकीम हैं, अभी हमने
अभी हमने मक्का मुआजमा जाना है, जहां हमें कम से कम 32-34 दिन गुजारने हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, खुसूसन हमारे डीसी साहब जो किश्तवाड़ के यादव साहब हैं, तो उन्होंने हमें हर तरह से ताउन दिया। हम उनके आजाद मशकूर हैं और हमारी दौड़ उन्हीं तक है। हम उनसे इस्तदा करते हैं कि वो हज कमेटी ऑफ इंडिया से रबता करें कि हमारे साथ जो ये सलूक किया जा रहा है, आइंदा ऐसी हमारे साथ ऐसा सलूक ना हो और मक्का मुआजमा में हमें राहत मिले, ताकि हम फराइज हज अंजाम हमारे यहाँ खुदाम जो होता है वो भी कोई नहीं। कश्मीर का एक ने कहा कि मैं हूँ, लेकिन उसको सुना ही देखा कहीं नहीं। किश्तवाड़ से हमें कोई खुदाम होना चाहिए था, लेकिन उससे भी हम महरूम रहे। हम अनजान है, हमें क्या पता है कहाँ होटल है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ क्या है। तो लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन जनाब डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें नोटिस ली जाए और खुदा जल्द अज जल्द मदीना पाक रवाना किया जाए।